बाजार से 1 किलो मावा लेके आई, गुजिया बना के मुझे मोहल्ले में बांटनी है। जा बेसन के लड्डू जैसा तेरा मुंह है, बनानी है जा। मोहल्ले वालों को डायबिटीज करनी है, कोई गुजिया गुजिया नहीं लेके आना, चलो वापस जाओ अंदर। शट अप। हेलो। सच अ प्लेजर टू हैव बोथ ऑफ यू हियर। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे दो फेवरेट कोरियोग्राफर्स पाजी आज हमारे घर पे आए हुए हैं। कोई भी अच्छी चीज सामने है उसकी अपने आप जबरदस्ती फेवरेट बना लेती है ये। अरे ये सच है, कल सब्जी मंडी गई है, इसकी फेवरेट वैसे लौकी है, गोभी को देख के थी माय फेवरेट। आप बोला गोभी गुस्से में आके बोली इसको, कहती सड़े हुए टिंडे जैसे मुंह में, तेरी फेवरेट कैसे हो गई? शर्मा जी अभी आप कह रहे थे मेरा मुंह क्या बेसन के लड्डू जैसा है, अब कह रहे टिंडे जैसा, आप एक चीज फाइनल क्यों नहीं कर लेते? और वैसे भी इस बात पे मुझे हंसी नहीं आई। तेरे को नहीं आई ना, उससे पूछ बैंगन से जो गोभी के साथ लेटा हुआ था। वो हंस हंस के रेड़ी के नीचे गिर गया। वो बढ़ते वाला बैंगन था, उसकी ऊपरी डुंडी टूट गई ऊपर वाली। इतना हंसा वो। ये वेजिटेबल जोक है बाजी, जो लोग चिकन मेकर नहीं खाते उनके लिए सब्जी वाला जोक। इट्स अ फैमिली शो। बहुत अच्छी तरीके से सिद्धू बाजी इन्होंने हमको भी वेजिटेबल बना दिया। क्या एग्जांपल। हाँ हमारे पास कोई इज्जत ही नहीं है। हम भी बैंगन और गोभी महसूस कर रहे थे अपने आप। पहले हलवाई, मतलब पहले हलवाई थी, अब हम सब्जियां बन गए। मतलब बिना देखे पैसे। अभी आप ये देखिए, आप पूरा ग्रोसरी का जो सामान होता है ना, धीरे-धीरे करके आएगा। शर्मा जी आप क्यों मेरे भाई के डांस गुरु के सामने क्यों, मतलब थोड़ा सा तो लाज रख लीजिए मेरा प्लीज। भाई तुम्हारे भाई के डांस गुरु? तुम्हारा भाई कहाँ करता है डांस? देखो मेरा भाई सीधा उसे चला नहीं जाता, डांस करता है वो। शर्मा जी मेरा भाई ग्रीक डांस करता है। व्हाट इज दैट? क्या होता है वो? मैं बताता हूँ आपको ग्रीक डांस क्या होता है। वो ना कांच की प्लेट ऐसे तोड़ते हैं, उसके ऊपर डांस करते हैं। हाँ। लेकिन इसका भाई जो करता है वो ऐसे नहीं होता। हाँ। वो खुद तोड़ के ऊपर नहीं डांस करता, वो जब डांस करता है लोग प्लेट फेंकते हैं उसके ऊपर। हाँ सही बात है ये। और लोग कहते हैं कमीने तू खुद तो बेरोजगार है, हमारी शाम क्यों खराब कर रहा है? So sweet ना पाजी। हाँ। मेरे पति you know, आप दोनों को पता नहीं होगा पूरी दुनिया में। हाँ। इनसे अच्छा पति, इनसे अच्छा गुड लुकिंग हस्बैंड और कहीं नहीं। सेंस ऑफ ह्यूमर इज सो ऑसम। ठीक है ना? हाँ। मेरी इतनी तारीफ, कहीं मुझे गोली तो नहीं चलने लगी जहर की? अरे एक वाइफ कॉम्प्लीमेंट दे रही है और आप तारीफ के काबिल है, अब मैं क्या करूँ पाजी? लेकिन क्या है ना, वो कहते हैं ना चांद पे दाग होता है। हाँ, दाग तूने देखे हैं तो लोगों को क्यों बता रही है? ये मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया? People have 2 left feet. हाँ? Bittu Sharma has 11 left feet. क्या आप इनको? ये joke इसने 3 दिन से तैयार किया था कि जब ये दोनों आएंगे मैं सुनाऊंगी। ले लिया, सुन ले। अपने गंदे हिंदी वाले jokes मारते नहीं, English में था इसीलिए। हिंदी को गंदे नहीं बोलते बेटा, it's our national language. If you don't respect your mother, how can you respect your Thai जी? What are you? Jokes गंदे बोले मैंने। So 11 left feet. हाँ। अरे सर इतना अच्छा डांस करता हूँ, इस शो में जितने भी डांसर्स आते हैं उनसे तो बेहतर हूँ ना मैं। हाँ। पाजी मुझे तो शकी जान बुझ के ऐसे डांसर्स मंगवाते ताकि ये उन सबके सामने अच्छे लगे। वैसे भी इस शो में हमारे से पहले आए थे ना वो लोग। नहीं नहीं सर, ये मतलब हमारे काफी सारे ऐसे दर्शक होते हैं जो यहाँ पे डांस परफॉर्मेंसेस भी करते हैं। हाँ, उनसे तो बेहतर हूँ ना कि मैं? हाँ, वो तो आप जबरदस्ती उन्हीं को बुलाते हो ना ताकि उनके सामने आप ज्यादा अच्छे लगो। ये आइडिया ना तेरे घर वाले इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ। आपको पता है जब मैं इसको देखने गया ना, उन्हें 15-20 लड़के गंदा गंदा मेकअप करके टेढ़ी मेढ़ी बिठा दी इसके आस पास। अब उस चक्कर में ये मुझे खूबसूरत लगे, अब ढेर सारे सिंघाड़ों में एक आड़ू देखा मैं भी इंप्रेस हो गया। और तो बाहर जाके मैंने जब स्ट्रॉबेरी देखी ये वो लीची विची, तब जाके मेरे को अपनी किस्मत पे गुस्सा आ रहा है। भाई माचिस खरीदने के पैसे है नहीं, चली स्ट्रॉबेरी खाने। माय फुट। तो माचिस खरीद के स्ट्रॉबेरी का क्या लेना? स्ट्रॉबेरी तो ऐसे खाई जाती है, माचिस डालकर थोड़ी ना खानी।
हमने स्ट्रॉबेरी पिघला के खाने की क्या कहने लगा व्हाट इज द लिंक स्ट्रॉबेरी टू मैच बॉक्स व्हाट डू यू थिंक यू ओनली स्पीक इन इंग्लिश इवन आई कैन स्पीक इंग्लिश व्हाट डू यू थिंक यू आर द प्रिंसेस ऑफ वेल्स इफ यू आर द प्रिंसेस ऑफ वेल्स देन आई एम द प्रिंस ऑफ वेल्स यू ऑरेंज साड़ी जूसर में डाल के तेरा ऑरेंज जूस निकाल दूंगा मैं ज्यादा बोली तो आ जाते हैं आपने तो अच्छी अच्छी बातें कही थी मतलब इतनी तारीफ की आपको मतलब रिटर्न गिफ्ट भी मिल गया रिटर्न गिफ्ट भी मिल गया आपको पता है ये जब बालियां पहनती है ना दोनों एक साथ पहनानी पड़ती हैं क्योंकि एक पहनो तो वजन से गिर जाती है और छोटी बिंदी पता क्यों लगाई बड़ी लगाई थी तो आगे गिर गई थी ये मुंह इसीलिए चपटा ऐसे ही नहीं हुआ है लेकिन ये बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए मतलब आप कितनी पतली नाजुक हो सर देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पतली एंड कमजोर ये तो हमारे घर में आके खाना पीना शुरू हुई नहीं तो इनके घर में रहती थी ना मायके में इनके नमक में आयोडीन की कमी थी इतना बड़ा घेंगा था इसके जो भाई थी आप कहते हैं एनीबॉडी कैन डांस मेरे पति को देख के लगता है बिट्टू का डांस साला डांस साला बिट्टू साला नहीं तेरा भाई मेरा बिट्टू का साला है तो आपको लगता है आप कुछ इन्हें सिखा सकते हो बिल्कुल कौन सा डांस चाहती मैं सीखूं हिप हॉप तो आपको आता है आपको सिखाने की बात हो रही ना तुम्हें क्या लगता है मैं डांस सीख नहीं सकता एक्सक्यूज मी गिव मी सम टाइम 2-3 इयर्स ओके नहीं अरे अरे देखो सर आप ही जो कबाड़ था अभी अभी बताइए आप अभी हां पढ़ा ठीक है टेल मी वन ये है जी ये 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 एक एक करके बताइए ये सिंपल सर 6 महीने का होमवर्क नहीं देना एक पहले क्या है ये क्या आ क्या बात है ओ कम ऑन ये वाला कल कर ले चलो अभी कर थोड़ा थोड़ा क्या बात है अभी पूरा एक साथ खड़े 5-6-7 गो 1-2 मैं याद कर लूंगा ना धीरे धीरे रेमोस आई डोंट थिंक इनसे कुछ होने वाला है ये नहीं सीख पाएंगे आप एक काम करो क्यों ना आप हम दोनों को एक कपल डांस रोमांटिक डांस सिखा दो ताकि एटलीस्ट जब हम पार्टीज में जाए पाजी एटलीस्ट मेरे हस्बैंड मेरे साथ डांस तो कर सके है ना व्हाट एन आईडिया व्हाट एन आईडिया अ कपल डांस कपल पार्टी में जाएंगे तो डांस करेंगे कैसे तेरा तो ध्यान होता है कि मैं लिफाफे में बर्फी डालूं वो डालूं तेरा ध्यान तो इन कामों में होता है लिफाफे में बर्फी वो सर हमारी अंदर की बात है अच्छा क्यों अंदर की बात है आप क्यों खुले आम अभी भी साड़ी जोर से झाड़ेगी ना नान निकलेंगे बीच में से अभी भी बनते ठीक है पाजी आप कुछ तू कुछ मत कह झाड़ के दिखा नहीं आई थिंक नहीं तो पता नहीं क्या क्या गिरेंगे इधर ओके सर मैं कपिल हूँ ओके और ये आपकी बीवी है ठीक है ओके मतलब ये आपकी बीवी है ऐसा ओके अच्छा मैं इनको ऐसे ओके तो पकड़ो आ जाओ आप इस तरफ आ जाओ इजी पड़ जाएगा ठीक है आप देख नहीं रहे उसके एक्सप्रेशंस रोमांटिक रोमांटिक ओके सर आंखों में लेके आओ बड़ी देर पर टच किया ना तो थोड़ा फील नहीं आ रहा ओके सर ओके ये अभी एक बहुत ही रोमांटिक स्टेप है ये किया हाँ घूमी लड़की और आप उसको ये कर ये गिरा देंगे अच्छा मुझे। ये करना है ओके रेडी हाँ रेडी अरे नहीं गिराता बाबा चल चल 1-2-3 चल उधर चल ये कौन सा स्टेप था कैसे सर फील नहीं आ रहा ना ये धक्का मारने से फील आता है फील नहीं आ रहा था देखो एक एक और वापस देखो इनको पकड़ो हाँ जी देखो ऐसा पकड़ना है हाँ ओके घूमो वेरी गुड ये ऐसे
सिंपल सी बात है, आप इमेजिन करिए कि आपके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत इंटरनेशनल सर, मैंने ये सुना था कि आप दोनों की हंसी कमजोर है निकल जाती है, ये नहीं पता था आपकी नजर भी कमजोर है। हमारी नजर में कोई कमजोरी नहीं है, यू आर ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स, इनकी नजर में कुछ झोल है, खोट झोल है ना, झोल है, मेजर झोल है सर। दूसरे की थाली में लड्डू ना हमेशा अच्छा और बड़ा लगता है, मीठा लगता है। एक चीज बताओ, आपकी इतनी बेइज्जती होती है, आप इनके साथ अभी भी क्यों हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों हैं? क्यों हैं? ये क्या बताएगी, साड़ी के धागे निकले हुए हैं क्या, मेरे को बताएगी? मेरे को आपके साथ डांस नहीं करना, थैंक यू सो मच, मुझे डांस नहीं करना आपके साथ। ये एक जो आप करते हैं ये हाँ। मुझे सिखाइए ना।